हाय फ्रेंड्स, मैं आज के आपको बताऊंगा कि आईएएस जो है उस एग्जाम उसको बारे में हम कुछ बोलो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि आईएएस जो एग्जाम है वो बहुत ही, लोग मानते हैं कि बहुत ही टफ एग्जाम है। उसके लिए आपको 10-12 घंटा पढ़ना चाहिए। ओके, ये आपको अगर माइंड से हटा देना चाहिए। ये जस्ट एक कंपटीशन है सिंपल सा, जॉब लेने के लिए और सोसाइटी में कुछ काम करने के लिए। पहले तो ये बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है। पहले लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ घूमना ही चाहिए, बहुत लोग कितना की बोलते हैं ना, तो उस सब बात को आप उड़ा दीजिए माइंड से। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम है। ठीक है, 5 से 6 बुक पढ़ना होगा। ठीक है, लगभग। ठीक है, उस बुक्स तो पढ़ ही सकते हैं 6 मंथ, लगभग 4 से 5 मास तक कंप्लीट हो जाएगा करंट इवेंट्स में जो चल रहा है। ठीक है, उसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई 12 घंटा घूमना ही चाहिए और खेलना नहीं होगा, वो जो बोलते हैं ना वो सब गलत बात है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो 4-5 बुक है तो उसको आप प्रो रिविजन कर लीजिए। ठीक है, लोग बोलते हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। अगर किसी को इंग्लिश आते हैं तो उसको एनसीईआरटी क्यों और पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा बेटर कोई बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक ना, तो मेरा भी यही मानना है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले पलटी के लिए सभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़िए, एक बुक हो गया, एनसीईआरटी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन। ठीक है, 2 बुक्स हो गया। थ्री, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थ्री होगा तो रमेश रमेश सिंह। ठीक है, 3। और जो 4 बुक्स बोलूँगा, 4 बुक्स इथिक्स के लिए। ठीक है, इथिक्स के लिए एक बुक उठा लीजिए। ठीक है, इथिक्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए तो करंट इवेंट्स में जो चल रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्स में भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑप्शनल तो अब तो है, वो बात दीजिए। उसके लिए थोड़ा अच्छा सा प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना, तो इसीलिए। उसके बाद मैं बोलूँगा गवर्नमेंट स्कीम तो अब देखते हैं। तो और कल्चर के लिए भी, इंडियन कल्चर के लिए भी आपको थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे समझ से। तो इस 3 और 4 बुक्स अगर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ किसी के इनिशिएटिव फॉलो करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट बोलूँगा कि 3-4 बुक्स पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फोरम आईएएस और इनसेट आईएएस का जो मैगजीन आते हैं ना, आपको फ़ोन में मिल जाएगा, लैपटॉप में आपको तो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करके आप रिविज़न कर लीजिए पूरी जो कंपिलेशन है। ठीक है, और कुछ न्यूज़ चैनल का और अगर वो भी अगर नहीं पढ़ रहे पा रहे हैं, ठीक है, तो स्टडी आईक्यू का और ओनली आईएएस का, ठीक है, जो डेली और एएएस आईएएस इंस्टीट्यूट का जो डेली डिस्कशन मिलते हैं ना, उसको आप देख लीजिए पर डे। और इसको खा खा आपको जो हैंडबुक है उसको उसमें नोट कर लीजिए डेली का, डेली न्यूज। ठीक है, और पीआईबी भी डिस्कस करता है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करता है, तो यही होगा फंडा। ठीक है, क्लियर करने का एग्जाम, ठीक, बहुत ज़्यादा टाफ नहीं है। और इकोनॉमिक्स भी करंट अफेयर्स में ही आते हैं। ठीक है, और सिर्फ पॉलिटी भी चल रहा है जो करंट अफेयर्स में आते हैं मेंस में। और अगर आप देखा जाए तो जो प्रीलिम्स में आते हैं, प्रीलिम्स में न्यूज पेपर से भी आते हैं, एंड आपका ज्योग्राफी सब जो लोग बोलते हैं ना, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ से वही टॉपिक जो है यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन और इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत और एक बात, 3 बुक्स मैंने रेफर किया था, 4 बुक्स रेफर किया था, और 5 बुक्स होगा क्या ना,
इंडियन हिस्ट्री, ओके, रेड्डी का बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस फाइव फाइव बुक्स को आप बहुत अच्छे से चिवा लेना, ठीक है, तो हो जाएगा क्लियर। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जो आएंगे, ठीक है, वहाँ पर ही वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट में सर्च कर लेना क्या है, 10-12 टॉपिक है इम्पोर्टेंट, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आप पढ़ते रहिए, सो थैंक यू, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्प यू। एनसीईआरटी 15-20 6 से अब तक पढ़ के आया ना, बेसिक कंसेप्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादा अगर अच्छे से बुक्स में इस थोड़ा 3 से 4 हज़ार पेज होगा, ठीक है, इस 5 बुक्स का, और एनसीईआरटी के टोटल का बुक्स का पेज उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्यों हम पढ़े यार, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको अगर टाइम है तो, ठीक है। अब 5 से 6 मंथ रह गए हैं, तो प्रीलिम्स के इस अच्छे से बुक्स को, इस 2 से 3 हज़ार बुक्स पेज को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, गारंटी। उसको खा लेना है, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा ना, तो इस पेज को खा लेना है, ठीक है। मतलब आपको माइंड में अंदर सब ऑल टाइम रहेगा, हर लाइन हर कंसेप्ट, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक इट विल हेल्प यू।